हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, हम ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है ये। और आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा, फर्स्ट लेक्चर जो इसी चैप्टर के बारे में है, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, वो आपने देख लिया होगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है कि आपके टीचिंग का तरीका ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। या आपको कोई भी और चीज़, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो, टॉपिक्स का लिंकेज भी पसंद आ रहा हो, इसकी वजह से ही लेक्चर्स थोड़े लंबे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टी प्लांटेशन के बारे में। टी प्लांटेशंस टॉपिक क्यों डिस्कस हो रहा है? क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने जंगल काटे, उन जंगल काटने के बाद उन्होंने टी प्लांट्स सेट करे। ये स्पेशली उन्होंने करा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे असम और दार्जिलिंग, ये टीज काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये ब्रिटिश टाइम से ही शुरू हुआ था। हमने देखा था कि काफ़ी सारे जंगल काटे उन्होंने, अपने जंगल में जो ट्राइबल्स रहते थे उनके राइट्स छीन लिए और उन्होंने जंगल को खुद ले लिया। इसीलिए हम यहाँ पर टी प्लांटेशंस का एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो आपको कभी भी कोई एग्जांपल अगर आता है इस रिलेटेड से टॉपिक पे कि उन्होंने चेंज कैसे करा एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर पैटर्न कैसे चेंज करा, या उन्होंने ट्राइबल को कैसे हटाया, या उन्होंने फॉरेस्ट कैसे काटे, तो आप टी प्लांटेशंस का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। तो आर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द मॉडर्न पीरियड वर गवर्न्ड बाय कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन तो हो रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपसे अगर कोई एमसीक्यू पूछ ले या स्टेटमेंट पूछ ले इंटरव्यू में कभी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा था इंडिया में कॉलोनियल पीरियड पे, तो इसका आंसर नो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था लेकिन वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं था, राइट? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख सकते हैं काफी जगह इंडस्ट्री सेट हो रही थी, काफी जगह जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री भी आप देखेंगे सेट होंगी। उसके बाद अर्बनाइजेशन भी हो रहा था, काफी सिटीज आए। बेस्ट एग्जांपल तो कौन से है? कोलकाता, चेन्नई, इनका एग्जांपल आप यूज करना ऐसे, कोलकाता, चेन्नई यूज मत करना, मद्रास यूज करना क्योंकि वो उस टाइम की बात हो रही है, और बॉम्बे यूज करना। ये तीन एग्जांपल तो आप बेस्ट दे सकते हो कभी भी अगर कॉलोनियल सिटीज की बात होती है। और आपसे पूछा जाए कि कौन से सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, मसूलीपट्टनम इसका एग्जांपल याद कर लीजिए, सूरत याद कर लीजिए इसका एग्जांपल, ढाका याद कर लीजिए। तो ये जो सिटीज थे ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ये डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर इन्होंने ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करी बुक में, टी प्लांटेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करी जो हम देखेंगे। देखिए टी गार्डन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल। और अब अगर आप उस रीजन को विजिट करें तो जरूर टी गार्डन्स देखिए, इससे आपकी इमेजिनेशन और अच्छी होती है। कॉफी प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? अगर टी प्लांट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं तो कॉफी प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आप देख सकते हैं कि वुमेन प्लक कर रही है टी लीव्स को। ये बात याद रखिए कि टी प्लक्स करना एक काफी पेशेंट का जॉब होती है, और पेशेंस थोड़ी देखा जाता है कि वुमेन में ज्यादा है, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि वुमेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो टी प्लांटेशन का एक आप याद रखिए कि वुमेन को काफी ज्यादा जॉब्स देता है। सिग्निफिकेंटली द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर क्लियर दैट हार्श मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट द लेबरर्स टू मेक श्योर दे बेनिफिटेड द प्लांटर्स। तो देखिए प्लांटर्स का मतलब ये है कि जिनके पूरे के पूरे प्लांट होते थे, ये यूरोपियंस होते थे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेबरर्स जो थे वो सारे के सारे इंडियंस थे। लेबरर्स जो थे वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से होते थे, ठीक है। तो क्या कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश बिहार से उन लेबरर्स को मूव कराया जाता था टू असम, ठीक है, और ये लेबरर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते थे। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे तो आपकी जेल भी हो सकती है। तो ये था ऐसे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि हार्श मेजर्स लिए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, जिससे उनकी टी प्लांटेशन अच्छे से चल पाए, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं चल पाती, राइट। ये बात भी आप याद रखिए कि जो लोग मूव कर रहे थे लेबरर्स, उनके लिए असम जो था वो एक फॉरेन कंट्री की तरह ही था, राइट। वो इंडिया में समझिए आप उसे, इंडिया तो ठीक है अब है वो, लेकिन उनके लिए वो एक फॉरेन टेरिटरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको काफी पेन हुआ था। तो ये सब चीजें भी हुई हैं। दे वर ऑल्सो फुली अवेयर दैट द लॉज ऑफ अ कॉलोनाइज्ड कंट्री डिड नॉट हैव टू स्टिक टू द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दैट द ब्रिटिश बैक होम हैड टू फॉलो इन ब्रिटेन।
इस स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, इसी को मॉडरेट्स भी काफी बार कहा करते थे कि ब्रिटिशर्स के लॉ जो ब्रिटेन में होते थे और इंडिया में होते थे उनका कोई लेना देना नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि टी प्लांटेशन के अगर लॉज अगर ब्रिटेन में होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे, वो लेबरर्स के फ्रेंडली होंगे, वो इंसानों को मतलब ये नहीं करेंगे, हैरेस नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता था कि पूरा का पूरा हैरेसमेंट हो रहा था इंडियंस का, और आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब लॉ जो था बिल्कुल ही अगेंस्ट था इंडियंस के। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उन्होंने अपने लिए करा, इंडियंस के लिए तो करा ही नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी एक बात बताई हुई है कि हाउ वर लेबरर्स रिक्रूटेड। सो टी इंडस्ट्री बिगेन इन इंडिया इन 1851। थोड़ा स्टैट याद रख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स वर सिचुएटेड इन असम। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया है और आपको क्लियर भी होगा क्योंकि असम में ही टी सबसे ज्यादा होती है, असम टी भी बहुत पॉपुलर है। सिंस असम वॉज स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन वहां नहीं थी, एंड टी प्लांटेशंस वर ऑफन लोकेटेड ऑन अनइनहैबिटेड हिल साइट्स, बल्क ऑफ द सोरली नीडेड लेबर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। तो इस असम में पॉपुलेशन कम थी इसलिए उनको लेबरर्स दूसरे दूसरे प्रोविंसेस से बुलाए जाते थे। बट टू ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर फ्रॉम देयर फार ऑफ होम्स इन टू स्ट्रेंज लैंड्स पॉसेसिंग एन अनहेल्दी क्लाइमेट एंड इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स required the provision of financial and other incentives which the tea planters of Assam were unwilling to offer. इसका कहने का मतलब ये है कि असम जो टेरिटरी थी वो बहुत ही ऐसी थी जहाँ पे बीमारियाँ नई नई तरीके की डिफरेंट डिफरेंट होती थी, और आप देख सकते हैं कि बाकी टेरिटरी अलग थी, क्लाइमेट अलग था, एक अनजान सा एरिया था वो लोगों के लिए जो भी आते थे वहाँ। तो ऐसे अनजान से सिटी में जाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव देने चाहिए। मतलब आपकी अगर सैलरी 50 रुपये मिल रही है तो आपको बोनस मिलना चाहिए, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलना चाहिए तो 150 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन वो 100 रुपये जो थे प्लांटर्स देने को रेडी नहीं थे, 50 रुपये ही रेडी थे देने को, ठीक है। ये वाला यहाँ पर पॉइंट है। तो ब्रिटिशर्स की सबसे बुरी चीज यही देखी जाती है कि वो पूरा ही हैरेस करते थे। द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबरर्स फॉर टी गार्डन्स ऑफ असम वॉज कैरिड आउट ऑन फॉर ईयर्स मोस्टली बाई कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर एक्ट नंबर 3 ऑफ 1863 ऑफ बंगाल एज अमेंडेड इन 1865, 1870 एंड 1873। तो इसके बेसिस पे उन लेबरर्स को लाए जाते थे, उनको बेवकूफ बनाया जाता था, फ्रॉड किया जाता था, कोर्जन किया जाता था उनके साथ, और उनको बोला जाता था कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, आपका हैरेसमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं था और लॉज इतने स्ट्रिक्ट थे, उनसे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए जाते थे। डॉक्यूमेंट तो देखिए आजकल हमसे कोई क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, हम वो नहीं पढ़ते। तो उस टाइम में जो एजुकेटेड नहीं थे इंडियंस वो कैसे वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ और वो एक बार डॉक्यूमेंट साइन करे आप फंस गए, आप अगर लॉ ब्रेक करेंगे तो आप जेल जाएंगे। तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। अब देखते हैं कर्जन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये कौन थे, वायसराय थे इंडिया के, काफी पॉपुलर वायसराय हैं। देखिए कर्जन के बारे में नेगेटिव इमेज है काफी, क्योंकि उन्होंने काफी ऐसे एक्ट्स भी करे हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी कि कर्जन ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। 1898 से लेके 1905 तक आई थिंक उनका जो एक काल है, जो मतलब जिस टाइम तक उन्होंने रूल करा इंडिया में, या जिस टाइम वो वायसराय थे, वो था 1898 से लेके 1905। उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीजें भी करी, लेकिन उन्होंने गंदी चीजें जो करी, मतलब नेगेटिव जो करे, वो ऐसे ऐसे करे जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट, कैलकटा का भी एक्ट, कॉरपोरेशन एक्ट कुछ लाए थे, वो सब चीजें उन्होंने इतनी ज्यादा करी। और वो एंटी इंडियन भी थे काफी, ठीक है, एंटी इंडियन भी थे, काम अच्छा करते थे लेकिन एंटी इंडियन थे। तो उनके इस स्टेप की वजह से उनकी एक अनपॉपुलर इमेज है और वन ऑफ द वर्स्ट वायसराय भी उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्जन की स्पीच दे रखी है। देखिए अंग्रेजों की एक बात तो थी कि अगर वो गलत भी काम करते थे ना, उसे वो नोट डाउन करते थे वैसे ही गलत, कि हमने ये गलत करा है। हाँ काफी चीजें ऐसी भी थी जो उन्होंने शायद मेंशन ना करी हो, जैसे 1857 एक्ट के बारे में उन्होंने काफी चीजें छुपाई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कर्जन की स्पीच। द लेबर सिस्टम इन असम वॉज एसेंशियली दैट ऑफ इंडेंचर बाय विच द लेबरर्स वेंट टू असम अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इंडेंचर था। जैसे इंडिया से बाहर ले जाया करते थे ना उन लेबरर्स को, कहाँ कहाँ ले जाया करते थे, साउथ अफ्रीका, फीजी, हमने जैसे देखा था, ऐसे ही असम में भी लेबर सिस्टम था। द गवर्नमेंट हेल्प द प्लांटर्स, प्लांटर्स कौन थे, यूरोपियंस, बाय प्रोवाइडिंग फॉर पीनल सैंक्शन इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लेबरर्स। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी प्लांटर्स को कि अगर लेबरर्स छोड़ के भागेंगे उन्हें हम अरेस्ट कर लेंगे। दिस व्यू इज एक्सप्लिसिटली मेड बाय टी रेले लॉ मिनिस्टर व्हेन स्पीकिंग ऑन द असम लेबर एंड एमिग्रेशन बिल ऑफ 1901।
अब उन्होंने क्या कहा आप देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें कही उन्होंने. द लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज्ड बाय दिस बिल इज अ ट्रांजैक्शन बाय विच, टू पुट इट रेदर ब्लंटली, अ मैन इज ऑफन कमिटेड टू अ सम बिफोर ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड इज देयर अपॉन हेल्ड टू हिज प्रॉमिस फॉर 4 years विद अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट इफ ही फेल्स टू परफॉर्म इट. तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो किस चीज में फंसने वाले हैं. आप ये समझ सकते हैं कि आपको किसी जॉब में ले गए और आपको बताया नहीं कि जॉब में आपको करना क्या है, और एक बार आपने साइन कर लिया आप फंस गए, और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. तो ये था, और कंडीशन काफी बुरी थी लेबरर्स की. सो प्लांटर्स कैसे लिखते कैसे रहते थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज देख लीजिए. इन स्पाइट आप भी इमेजिन कर सकते हैं, प्लांटर्स मतलब यूरोपियंस, ठीक है, ये याद रखना. प्लांटर्स जो थे वो ज्यादातर यूरोपियंस थे, लेबरर्स जो थे वो इंडियंस थे. अब आप सोच ही सकते हैं वो कैसे रहते होंगे. इन स्पाइट ऑफ दिस ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द गार्डन्स दे हैड लिव्ड लाइव्स ऑफ लग्जरी. तो बहुत ही सुहानी जिंदगी जीते थे प्लांटर्स उसी जगह पर जहां पर लेबरर तड़प तड़प के रह रहे थे, मर भी रहे थे. और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे टब्स भी थे, ह्यूज बाथरूम्स, ऐसे ऐसे मजे थे उनके बिल्कुल. तो ये चीज थी कि प्लांटर्स पूरा हैरेस कर रहे थे इंडिया का. अब देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है. अभी हमने जो बात करी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो कब बात करी, वो हमने बात करी 1857 से लेके 1947 तक. अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. देखिए इंडिया जब आजाद हुआ उसे पता था कि वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और वो ये भी समझ रहा था कि उसके कुछ एरियाज जो है नौ वो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है और कुछ कुछ एरियाज जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है. तो रीजन इक्वालिटी लानी थी, तो कुछ कुछ चीजों ने इंडिया की बड़ी हेल्प करी. एक तो नेशनल मूवमेंट ने, उसने लोगों को इक्वल बनाया, और उससे क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट जो है उसने स्ट्रेंथन करा था लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी. आजकल तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे चाइनीज प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो अगर स्वदेशी मूवमेंट चल जाए कि हमें बस इंडियन प्रोडक्ट ही लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का जो है इस्तेमाल कम हो जाएगा, और इससे इंडिया में मेक इन इंडिया भी ज्यादा चलने लगेगा. लेकिन उसमें इशू क्या है कि अगर आप लोगों की बात भी समझे कि चाइनीज प्रोडक्ट है 50 रुपए का, इंडियन प्रोडक्ट है 100 रुपए का, तो वो इशू है, मतलब प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो वो इंडिया को थोड़ा अभी देखना पड़ेगा. एनीवेज हम इसी पे वापस आते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो था उससे लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी एक तो बड़ी, और मॉडर्न आइडियाज मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वॉज प्रिवेंटेबल. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजादी से पहले रिलीजन का काफी ज्यादा रोल था, और रिलीजन में भी आप समझ सकते हैं कि सुपरस्टिशन का ज्यादा रोल था, ठीक है. रिलीजन में भी कह सकते हैं एक फेथ होता है और एक सुपरस्टिशन होता है. सुपरस्टिशन का रोल काफी ज्यादा था, लोगों को लगता था पॉवर्टी जो है वो इसलिए है क्योंकि हमने पुराने जन्म में कुछ बुरे काम करे हैं या हमने कोई गलती करी है इस लाइफ में. डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, यही मतलब एक गलत फेथ फैलाया जाता था यूज बाय यूज ऑफ रिलीजन. लेकिन मॉडर्न आइडियाज जैसे उन्होंने पढ़े, जैसे उन्होंने नए नए फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी की टीचिंग पढ़ी, B.R. अंबेडकर के बारे में पढ़ा, तो उनको पता चला कि पॉवर्टी जो है उसे भी रोका जा सकता है. तो इसलिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू करा, और आप देख सकते हैं इंडिया में पॉवर्टी जो है वो बहुत ही तेजी से कम हो रही है. नाइजीरिया से नीचे आ चुका है इंडिया, हाईएस्ट पॉवर्टी इंडिया में नहीं है अभी. इंडियन नेशनलिस्ट सॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एज द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी. तो इंडियन नेशनलिस्ट बिल्कुल रेडी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इन्होंने साथ दिया, और प्लानिंग इकोनॉमी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी थी, जिसमें सेकंड प्लानिंग का बिल्कुल फोकस हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था. किसका? सेकंड प्लान का, ठीक है. सेकंड प्लान आई थिंक 1956 से लेकर 1961 तक चला था. उसका पूरा का पूरा फोकस यही था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे हैवी इंडस्ट्री का. फर्स्ट जो प्लान जो था उसका फोकस थोड़ा एग्रीकल्चर साइड था. सो अब यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज देखते हैं. नियरली अ डिकेड बिफोर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन 1938 अ नेशनल प्लानिंग कमेटी विद जवाहरलाल नेहरू एज द चेयरमैन एंड के टी शाह एज द जनरल एडिटर वाज सेट अप बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कांग्रेस पहले से ही रेडी हो रही थी. कांग्रेस इसमें क्या करते थे, ये रिकमेंडेशन देते थे ब्रिटिशर्स को कि आप ये चीजें करिए. साथ साथ कांग्रेस ये भी समझती थी कि जब हम आजाद होंगे तो हम यही स्टेप्स अपनी कंट्री में लेंगे. तो इस कमेटी ने काफी कुछ करा था. The major areas on which the committee focused its attention were, देख लीजिए थोड़े पॉइंट्स हैं, थोड़ा समझने में आपको हेल्प करेगा. एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज और अदर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन फैक्टर, लेबर एंड पॉपुलेशन, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड हाउसिंग, एजुकेशन, जनरल एंड टेक्निकल, वुमेन्स रोल इन प्लान इकोनॉमी. तो आप देख सकते हैं कि ये सब फोकस था. और एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इंडिया का भी ऑलमोस्ट अभी भी यही फोकस है.
हाँ कुछ चीजें एक्सटर्ड हो गई हैं, जैसे आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग, लेकिन अभी भी हम इन चीजों को अचीव नहीं कर पाए हैं ट्रू सेंस में। तो 1938 में भी यही था और आजाद 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ये है यहाँ पर कि देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडियंस रेडी थे कि हमें क्या करना है, और उन्होंने उस चीज में अचीव भी कराए। पॉइंट ये याद रखिए कि जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमें पॉजिटिव्स भी लेने होंगे। इंडिया में कोई भी फेमाइन नहीं आया आजादी के बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई है इंडिया की, इंडिया एक्सपोर्टर ही बन गया है। और आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज भी काफी सेट हुई हैं, हमारे पीएसयूज काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ONGC। और आप देख सकते हैं वुमेन का रोल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है आजकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में तो हम बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। हाँ, स्पेशली ये 2000 ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, इसके बाद स्पेशली सोशल सर्विसेज में आप देख सकते हैं कि हेल्थ में हमने आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास योजना है, पब्लिक यूटिलिटीज में भी, ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ग्राम सड़क योजना है, काफी उसमें भी काम करा है। एक्सचेंज रेट हमारा देखिए काफी ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है, इसी से यही एक अचीवमेंट है कि मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब उसे हम खुद चेंज नहीं करते, मार्केट चेंज करता है। ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ह्यूमन फैक्टर आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 आ गया है। इंडस्ट्रीज भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों में सेटअप की गई हैं, और इसमें हाँ थोड़ा वर्क होना बाकी है पी में हमारा। ए में तो आप देख सकते हैं कि हमने एग्रीकल्चर में काफी जगह काफी अच्छा अचीवमेंट करे हैं। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, तो वैसे हमें पढ़ना होगा। अब देखते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चैप्टर 6 में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, वहीं से आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वहीं पे आंसर्स आपको सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा अर्बनाइजेशन देख लेते हैं इंडिया में, स्पेशली थोड़ा मैप्स हेल्प करेंगे, अभी नीचे चल के मैप्स आएंगे। देखिए, एक सोशोलॉजिस्ट थे MSA राव, इनका नाम यूज करना आप, ठीक है? एग्जाम में नाम यूज करोगे तो एक नंबर एक्स्ट्रा, नाम यूज नहीं करोगे तो एक नंबर कम। ही डिस्क्राइब्स 3 डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अर्बन इम्पैक्ट एज मेंशन इन दी बॉक्स। 3 टाइप के अगर अर्बन एरियाज आपसे पूछ लेता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहले तो अर्बन एरियाज कुछ ऐसे होते हैं कि देर आर विलेजेस इन विच अ साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑफ सिटीज। दे लिव देयर लिविंग बिहाइंड द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली इन देयर नेटल विलेजेस। तो कोई भी एक विलेज है, जैसे माधुपुर विलेज, अ विलेज इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, 77 ऑफ 298 हाउसहोल्ड्स हैव माइग्रेंट्स एंड अ लिटल लेस देन हाफ ऑफ ऑल द माइग्रेंट वर्क इन 2 सिटीज ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा। तो मतलब बात यह है कि एक तरीके के तो विलेजेस विलेज यहाँ पर देखिए 3 इम्पैक्ट बताए हैं MSR किसने बताए हैं, MSA राव ने। ही डिस्क्राइब 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ अर्बन इम्पैक्ट, ठीक है? ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ अर्बन इम्पैक्ट। पहला तो ये है कि आप विलेज में रह रहे हो और आपके जो भी लोग हैं वो माइग्रेट कर गए हैं अपनी फैमिली को वहीं पे, अपनी वाइफ को, बच्चों को, फादर को, मदर को वहीं पे छोड़ दिया है, खुद माइग्रेट करके किसी सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है? ये काफी ज्यादा आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो आप याद कर लेना। जैसे माधोपुर विलेज दे रखा है, या आपको अपने स्टेट का कोई विलेज हो उसको याद करें तो और अच्छा रहेगा। A considerable number of emigrants reside not only in Indian cities but also in overseas towns. तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा कि काफी इंडियंस जो हैं वो जैसे गुजरात से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा चुके हैं, जैसे अफ्रीका और ब्रिटिश के टाउन्स में। दे हैव बिल्ट फैशनेबल हाउसेज इन देयर नेटिव विलेजेस। मतलब क्या है कि उन्होंने अपने विलेज में तो अच्छा हाउस बना दिया और खुद वहां पर एक कमरे में ऐसे रह रहे हैं या PG टाइप का रह रहे हैं, वैसे हो रहा है। तो ये एक टाइप का एक इम्पैक्ट है, ठीक है? ये वाला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, सबकी लाइफ में ऐसे आपको दिखाई होगा। सेकंड काइंड ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं, इज टू बी सीन इन विलेजेस विच आर सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन। व्हेन एन इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई, भिलाई कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में लिखे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में या बिहार में, भिलाई कहाँ पर है ये आप मैंशन करो। व्हेन एन इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई कम्स अप इन द मिड्स ऑफ विलेजेस, सम विलेजेस आर टोटली अपरूटेड व्हाइल द लैंड्स ऑफ अदर्स आर पार्शियली एक्वायर्ड। तो भिलाई जब टाउन सेट किया गया तो आसपास के विलेज जो थे उनका लैंड एक्वायर कर लिया गया, और आपने देखा कि काफी सारे जो लोग थे उन्हें जॉब दी गई, काफी सारे जो लोग थे उन्हें जॉब नहीं मिले और डिस्प्लेस भी हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई कम्स अप इन द मिड्स ऑफ द विलेजेस, सम विलेजेस आर टोटली अपरूटेड, मतलब उनको पूरा ही हटा दिया जाता है और वहां पर पूरा प्लांट सेटअप किया दिया जाता है, और व्हाइल द लैंड्स ऑफ अदर आर पार्शियली एक्वायर्ड, the latter are found to receive an influx of
immigrant workers, which not only stimulates a demand for houses and a market inside the village, but create problems of ordering relationships between the native residents and the immigrants. So, इसी से son of soil movement भी start हो रहे हैं काफी जगह. इसी से काफी ये भी हो रहा है कि लड़ाई बड़ाई होती रहती है, regionalism भी चल रहा है. इसका point ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने भिलाई plant set करा किसी जगह पर, तो वो भिलाई plant set हुआ तो वहाँ पर jobs की भी requirement बढ़ेगी. राइट तो इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग आएंगे जॉब के लिए. वो मकान मांगेंगे, वो घर मांगेंगे, वो और भी चीजें मांगेंगे, हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल वगैरह. तो इससे क्या होगा कि जो उस जगह पे रह रहे थे लोग और जो बाहर से आए, उन दोनों में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब थर्ड देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज अकाउंट फॉर द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग विलेजेस. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे मैंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज किसे कहते हैं, ये आप ज्योग्राफी से एक बार अच्छे से पढ़ लें. मेट्रोपॉलिटन सिटीज कितने हैं इंडिया में ये भी याद रखें. करंट देखना, ठीक है, बुक में शायद पुराना दे रखा हो, आप करंट देखना जितना करंट आप देख सकते हो, और से सोर्स जरूर मेंशन करना एग्जाम में, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं. सेंसस भी आप यूज कर सकते हो कि 2011 सेंसस में इतना था. ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज आए, उनका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं आप सराउंडिंग विलेजेस में. व्हाइल अ फ्यू विलेजेस आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अराउंड जो विलेजेस थे वो अब थोड़े के थोड़े अर्बनाइज्ड हो गए. जैसे सोना, जैसे हो गया सोना जगह है ना हरियाणा में, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वो विलेज था लेकिन अब अर्बनाइज हो रहा है. ऐसे गुरुग्राम अभी है, और भी आप फरीदाबाद देख सकते हैं उसके आसपास के इलाके. ठीक है, ओनली द लैंड ऑफ मे, तो व्हाइल अ फ्यू विलेजेस आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ओनली द लैंड ऑफ मेनी अदर्स एक्सक्लूडिंग द इनहैबिटेड एरिया इज यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट समझ सकते हैं कि तीन इंपैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर. एक में तो ये होता है अर्बन, किसका इंपैक्ट है, अर्बनाइजेशन का. राइट, तो पहला इंपैक्ट आपने देखा कि विलेजेस की एक विलेज है, वहां के जो मेल है वो वहां से कहीं और चले गए. सेकेंड इंपैक्ट आप देख सकते हैं कि किसी जगह पर आपने जैसे प्लांट सेट करा तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वहां पर लोग आते हैं. थर्ड आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कोई सिटी अगर बना तो उसके आसपास जो विलेजेस होते हैं उनके उनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते हैं. राइट, अब आप यहाँ पर थोड़े आप स्टेट देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज अर्बन एग्लोमेरेशन, ये जो वर्ड है अर्बन एग्लोमेरेटर, ये भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं उसे भी कवर करूंगा सून. अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर दे रखी है और नंबर ऑफ टाउन्स दे रखे हैं 1951 से लेकर 2011 तक. तो आप देखिए यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन और टाउन्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बढ़ रहे हैं. ठीक है, हमारे दोनों अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. तो आप देख सकते हैं कि ये बना रखे हैं पॉपुलेशन का बना रखा है और नंबर ऑफ टाउन्स भी बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ टाउन्स, आई होप आप इसे समझ सकते हैं. अर्बन टाउन्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए, टाउन्स क्या होते हैं. टाउन्स भी बढ़ रहे हैं इंडिया में, साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. और हमने देखा था कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लिव इन सिटीज. राइट, अब यहाँ पे देखा डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन परसेंटेज. तो ये आप देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन और डिकेडल ग्रोथ दोनों चीजें दे रखी है, तो दोनों ही ग्रो कर रहे हैं. The chart below indicates that the percentage share of the urban population is increasing, but decennial growth rate of the urban population shows a decreasing trend. So, ये interesting point है कि ठीक है, urban population is increasing, right? यहाँ पे दे रखा percentage share of the urban population is increasing. अभी कितना share है? अभी हम इस पे आते हैं, 31.16% है. But decennial growth, मतलब जो पहले हो रही थी decennial growth, ये देख सकते हैं आप, ये पहले तो यहाँ पे डिक्रीज हुई, ये बड़ी, फिर अब कम होती जा रही है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि डिकेनियल ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है और वो बढ़ नहीं रही है. तो ये कभी कभी ना यूपीएससी वगैरह में एमसीक्यूज में डाल देता है कि डिकेनियल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो आप सोचेंगे कि यार डिकेनियल ग्रोथ तो ग्रोथ बढ़ी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेस जो है वो कम हो गई है. ठीक है, देखिए पॉजिटिव तो है, मतलब नंबर तो ग्रो कर रहा है, मतलब 100 था तो 110 हो गया, 110 के बाद 100 से 110 10% बढ़ा. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वो 115 बढ़ा, तो अब वो 10% नहीं बढ़ा. राइट, तो ये डिकेनियल ग्रोथ कम हुई. आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा पीछे करके एक बार मेरी बात फिर से सुन लीजिए. स्टिल क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं बता दूंगा वहां पर. और ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है 2011 में, तो अभी 2021 में फिर से सेंसस होगा, उसकी रिपोर्ट देखते हैं कब तक आती है. 2011 के हिसाब से तो 31.16% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन है, मतलब कितनी, 377 मिलियन पीपल. मिलियन में, मिलियन मतलब 10 लाख. ठीक है,
were living in 7935 towns. अब तो towns भी बढ़ गए होंगे, ठीक है. However, the decennial rate of growth of urban population showed a declining trend during 1981 to 2001, reversed the trend and showed marginal increase in 2011. ठीक है, तो decennial growth जो है वो हमारा, आप ये समझ सकते हैं कि चेंज होते रहता है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि decennial growth rate of urban population showed a declining trend during 1981 to 2001. Reverse the trend and showed a marginal increase in 2011. The decennial growth rate of the urban population in 1951 was 41.42% and in 2011 it was 31.8%. ठीक है? For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. Absolute increase मतलब number. Number जो है वो first time 2011 के census के हिसाब से 2001 से लेके 2011 में पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ी देन दी रूरल एरियाज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज कर लिया जाता है एमसीक्यूज में. दिस इज ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट इन रूरल एरियाज व्हाइल द ग्रोथ रेट इन अर्बन एरियाज रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. आप इसके मल्टीपल रीजन देख सकते हैं, काफी लोग माइग्रेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग विलेजेस में है वो अपनी वाइफ्स को भी अर्बन एरिया में ला रहे हैं तो वहीं पे वो पॉपुलेशन बढ़ रही है ज्यादा से ज्यादा. उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में लोगों में एजुकेशन बढ़ रही है इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, कंपेरेटिवली कम पैदा कर रहे हैं. तो देखिए हम ये बुक पढ़ के हमें ये वाली चीजें भी पता चलती हैं जो हमारा शायद इसमें प्रेजुडाइज काफी लोगों का दूसरा होता है कि रूरल एरियाज में ही पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. तो हमने देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा है. इट विल बी ऑब्वियस टू यू दैट कोलोनियलिज्म is not just a topic in history but something which lives on in complex ways in our lives even today, right? ये सही बात है, colonialism का impact आप अभी भी देख सकते हैं, last lecture में मैंने अच्छे से बताया था. It is also evident from the above account that the industrialization and urbanization implied changes not just in production systems, technological innovations, density of settlements but also a way of life. ये आपका conclusion होगा जब भी questions पूछे जाते हैं इसको. ये जो statement है ना जो अभी मैंने read करा इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं. तो इसको भी आप कॉलोनियलिज्म का अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला कंक्लूजन हो गया, पहली लाइन जो दे रखी है कॉलोनियलिज्म से लेके टुडे तक, ठीक है. उसके बाद अगर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये कंक्लूजन दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा. और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 और 6 में अच्छे से पढ़ेंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके आंसर में रिव्यू करूंगा. आप ट्राई करना कि इन्हें आप 200 वर्ड्स में लिखो, ठीक है. इन क्वेश्चंस को आप 200 वर्ड्स में लिखना, 1, 2, 3 क्वेश्चंस को, ठीक है. 3 क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको नहीं करना तो मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो थोड़ी नॉलेज ही बढ़ेगी. 1, 2 को तो आप करिए और कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर, आपको अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का. थैंक यू.